हेलो फ्रेंड्स, आई मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो ये वेरिएटेड लीव्स वाले जो प्लांट होते हैं उनकी केयर हम लोग विंटर्स में कैसे करेंगे, इनको क्या पसंद है ताकि इनकी वेरिएशन बनी रहे। वेरिएशन मतलब होता है जो लीफ है वो मल्टी कलर्ड हो, मतलब एक से ज़्यादा उनमें कलर हो, तो आप उनकी केयर कैसे करेंगे। और वेरिएशन कई बार होता है ऐसे प्लांट का कि कई बार वेरिएशन कम हो जाता है तो प्लांट इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता। ये जो मैं पर्टिकुलर प्लांट दिखा रही हूँ ये क्रोटन का है। क्रोटन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक और प्लांट दिखाऊंगी, ये सेंचेजिया है। इसमें भी देखिए इसकी वेन्स सारी येलो कलर की हैं। ये एक और क्रोटन है, इसमें भी देखिए दो कलर मिक्स हैं, येलो और ग्रीन। अब और भी दिखाती हूँ वेरिएटेड लीव्स वाला प्लांट कोलियस है। कोलियस में भी बहुत सारा वेरिएशन आपको दिखेगा, इसमें भी दो से ज़्यादा कलर हैं। ये बर्किन है, इसमें देखिए कितना अच्छा वेरिएशन है। और ये वाले प्लांट में तो मैंने बहुत देखा है, मेरे भी प्लांट में हो चुका है, कुछ लीफ एकदम वेरिएशन ख़त्म हो गया था और लीफ एकदम प्लेन सी हो गई थी। वेरिएटेड लीफ एक और ये भी है, ये मार्बल क्वीन पोथोस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं दिखा रही हूँ कि इनमें वेरिएशन रहता है और ये ब्यूटीफुल भी तभी लगते हैं जब इनकी लीफ में वेरिएशन बहुत बढ़िया रहे। कुछ लीफ इस प्लांट में भी दिखाऊंगी जो एकदम गोल्ड ग्रीन कलर की हो गई हैं। ये देखिए इसमें वेरिएशन कितना कम है। अभी तो मैंने बहुत सारे निकाल के टहनियाँ निकाल दी हैं जो एकदम ग्रीन कलर की हो गई थी। तो ये क्यों हो जाती है, क्या इसका इलाज है, कहाँ रखें इसको। जितने भी वेरिएटेड प्लांट्स होते हैं उनकी लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये अमाउंट ऑफ लाइट के लिए थोड़े पर्टिकुलर हैं। मतलब कि अगर लाइट ज़्यादा आ जाए तो इसका वेरिएशन कैसा रहेगा, कम लाइट हो तो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले यही देखते हैं। तो इसको ब्राइट लाइट पसंद होती है, जहाँ पर सनलाइट खूब मिले, क्योंकि इनमें देखिए वेरिएशन में कुछ कलर तो ग्रीन होता है, कुछ और कोई कलर होता है, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल का कंटेंट होता है वो लीफ में थोड़ा वेरी करता है। तो जैसी आप लाइट देंगे उसी हिसाब से इसमें वेरिएशन चेंज होता रहेगा। जितने भी वेरिएटेड प्लांट्स होंगे वो थोड़े डेलिकेट होते हैं। जो वेरिएटेड लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो एक पिगमेंट होता है लीफ में अवेलेबल होता है, और ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड मैन्युफैक्चर करता है प्लांट के लिए। जब वेरिएटेड लीव्स हैं तो उनमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल अवेलेबल है। जब हम इस प्लांट को एकदम शेड में रख लेते हैं तो सनलाइट इस प्लांट को कम मिलती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल प्लांट के लिए कम फूड मैन्युफैक्चर कर पाता है। और इसको फूड का अमाउंट बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसकी लीफ बोल्ड ग्रीन कलर की हो जाती हैं और हम लोग को वेरिएटेड लीव्स लूज़ करनी पड़ती है। इसके लिए आप ब्राइट लाइट में इसको रखें प्लांट को, जहाँ पर इसको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले, इसका वेरिएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट होगा। और विंटर्स में इसको ब्राइट लाइट ज़रूर मिले, क्योंकि वैसे भी इस मौसम में थोड़ी लाइट डिम हो जाती है, थोड़ा क्लाउडी रहता है मौसम, तो ब्राइट लाइट मिलनी मुश्किल हो जाती है कई बार। कई बार तो क्लाउड्स छाए रहते हैं, दो दो तीन तीन दिन तक इसको ब्राइट लाइट नहीं मिल पाती है। तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट मिले। मगर जैसे बताया मैंने, ये डेलिकेट है तो इनको फ्रॉस्ट का भी बहुत असर पड़ता है। फ्रॉस्ट का इनफैक्ट ज़्यादातर जितनी भी प्लांट्स के लीव्स होती हैं सबके ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं तो ये लीफ थोड़ी विल्ट करने लग जाती हैं, गलने भी लग जाती हैं और प्लांट भी कई बार ख़राब हो जाता है। तो विंटर्स में भी इसकी लोकेशन थोड़ी शेड में रहे ताकि इसके ऊपर फ्रॉस्ट ना पड़े, मगर लाइट इसको मिलती रहे ब्राइट। जब आपकी ऐसी बोल्ड लीव्स हो जाएं तब वो टहनी ही आप हटा सकते हैं।
क्योंकि उस टहनी में ज़्यादातर मैंने देखा है सारी लीव्स ऐसे ही आती हैं। ये देखिए पूरा इसका वेरिगेशन ख़त्म हो चुका है, और ये प्लांट तभी ब्यूटीफुल लगता है जब इसमें वेरिगेशन हो। ऐसे ही मनी प्लांट का भी है। आपको भी कई बार लगता होगा कि आपकी वेरिगेशन एकदम कम कैसे हो गई है, वो डिपेंड करेगा इसकी लोकेशन के ऊपर। इन प्लांट्स के वाटरिंग शेड्यूल देखते हैं कैसा रखना चाहिए। वाटरिंग शेड्यूल तो नॉर्मल जैसे आप रखते हैं, विंटर्स में नेचुरली वाटरिंग कम कर देते हैं, और समर्स में इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फर्टिलाइजर से कितना फ़र्क पड़ता है। देखिए हेल्दी प्लांट होगा तो उसमें वेरिगेशन भी अच्छी होगी, देखने में सुंदर भी लगेगा। लीफ हेल्दी आपको अलग से पता लग जाती हैं। जब लीफ हेल्दी होती हैं तो उनका साइज़ भी बड़ा होता है, लीफ में बहुत शाइन होता है, कलर बहुत अच्छा रहता है उनमें, और वेरिगेशन नेचुरली बहुत अच्छा रहेगा। तो फर्टिलाइज करते रहें। बेस्ट टाइम फर्टिलाइज़र के लिए होता है फरवरी और अक्टूबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।